आज बच्चों गणित में हम अध्याय दो बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय दो बहुपद। बहुपद में सबसे पहले चर और अचर, इसके बारे में आपको आपको जरूरी है कि ये क्या होता है। चर और अचर जिस राशि में परिवर्तन होता रहता है उसे चर कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो अचर कहलाती है। लेकिन इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए बच्चों, एक उदाहरण द्वारा हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि सपोज एक लॉरी है, उसको किसी रस्सी से हम खींचते हैं, ठीक। खींचेंगे तो क्या होता है, खींचने पर बल लगता है और जितना खींचेंगे दूरी भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं चर, और अचर जो है वो जो नहीं बदलता, ठीक, यानी द्रव्यमान। तो इस प्रकार हम चर और अचर को कहते हैं। तो देखिए, चर का मान स्थिर नहीं होता है, इसे हम स्वेच्छा से बदलते हैं, जैसे अभी हमने आपको समझाया, जबकि अचर का मान स्थिर रहता है, यानी द्रव्यमान। हम चरों को अक्षरों एक्स वाई जेड से लिखते हैं, और अचर को वास्तविक संख्याएं या अक्षर ए बी सी द्वारा व्यक्त करते हैं। अचर राशियों को संख्याएं भी कहते हैं, जैसे कि आप अभी आगे पढ़ेंगे। संख्याओं का मतलब होता है अंक या डिजिट। देखिए, अक्षर मतलब होते हैं बी और सी। अक्षर को हम संख्याएं भी कहते हैं। संख्या आप कोई भी ले सकते हैं, दो चार छ ग्यारह पंद्रह सत्रह, ठीक है। तो ये कहलाती है वास्तविक संख्याएं, ठीक। अब हम आगे बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यानी एक अचर और एक चर। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब कि एक अचर राशि होनी चाहिए और एक चर राशि। अचर का मतलब होता है ए बी सी। चर राशियां कहलाती हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। चर राशियों में आएगा एक्स वाई जेड, राशि में आएगा ए बी सी टू फोर सिक्स एट इलेवन, और भी अन्य संख्याएं अचर राशि में आएंगी, ठीक। देखिए, अपना जो अध्याय है बहुपद, इसको इसकी परिभाषा इस प्रकार समझी जाएगी कि चर अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक, जोड़ घटाव, गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। कोई भी भिन्न वाले घातांक जैसे रूट एक्स, इस प्रकार इसको बहुपद कहते हैं। सबसे पहले आता है एक चर वाला बहुपद। सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या में हो तो
जैसे 2x, अब देखिए 2 ये अचर है और x जो है ये चर, ठीक है, चर और अचर दोनों के गुणांकों को लेके एक चर वाला बहुपद तैयार होता है, ठीक। अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे 5y, ये भी है, इसमें 5 अचर और y जो है वो चर राशियां, ठीक है। फिर 3z, इस प्रकार एक चर वाला बहुपद px, बहुपद मतलब होता है पॉलीनोमियल्स, ठीक है। तो इसको px से डिनोट करते हैं, निम्न रूप का x में दीजिए व्यंजक है, px इसका फार्मूला है, px बराबर a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an x की घात n। बच्चों ये देखिए ध्यान से, यहां पे लिखा है x, x की घात n, n को कहते हैं घात, यह घात का भी महत्व है इस अध्याय में, जहां a0 a1 a2 अचर हैं यानी संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 यानी a 0 के बराबर नहीं है, तथा इन्हें x की घात 0, x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3 और x की घात n के गुणांक भी कहते हैं। अब परिभाषा है बहुपद की, यदि बीजीय व्यंजकों में x चर की सभी घात ऋणात्मक नहीं हो एवं धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे लिखा है y की घात ऋण 2, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसके लिए जो घात है वो y की घात 2 होनी चाहिए, ये होगा बहुपद। बहुपद का मतलब होता है दो बहुत सारे पदों का योग, y की घात 2 धन 2x, ये भी बहुपद का एक उदाहरण है, क्योंकि यहां x की घात नहीं है तो क्या मानते हैं बच्चों, 1 मानते हैं, ठीक, तो ये भी बहुपद है। बहुपदों के प्रकार देखते हैं बच्चों, बहुपद के पदों के आधार पर पहला आता है एक पदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पद का मतलब है कि एक कोई भी चर और अचर का गुणांक 2x दिया है, देखिए यहां पे फिर से, तो 2 क्या है अचर और x चर, तो ये हो गया एक पद, ठीक। फिर 2 है, ये भी क्या है एक ही पद है। 5, x की घात क्या है 3, ये भी बहुपद और एक पद, और y की घात 1, u की घात 4, ठीक है, ये सारे कहलाते हैं एक पदी बहुपद, ठीक। सेकेंड आता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, जैसे उदाहरण x धन 1, यहां देखते हैं x धन 1, तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, ये हो गया पहला पद x, तो धन के बाद होंगे ये दूसरा पद 1, ये क्या कहलाएगा द्विपदी, ठीक। x की घात 2 धन 3, ठीक, तो ये पहला पद हो गया x की घात 2 और दूसरा पद क्या है 3, ये हम कहलाएंगे द्विपद, ठीक। इसी प्रकार y की घात 10 धन 1, समझ आ गया होगा द्विपद कौन से होते हैं,
नेक्स्ट करेंगे त्रिपद। त्रिपद से ही आपको मालूम हो जाएगा कि तीन पद होने चाहिए, ठीक है। जैसे x की घात 4 धन x की घात 3 धन 2, ये उदाहरण हो गया त्रिपदी का, ठीक। x की घात 4 धन 3 धन 2, दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं 5 x की घात 2 धन 4 धन 3। एक और उदाहरण भी ले सकते हैं कि 5 x की घात 5 धन 4 x की घात 2 धन 1, ये भी क्या है तीन पद। इसमें घात कोई सी भी हो सकती है लेकिन पद क्या होना चाहिए, तीन होना चाहिए, ठीक है। आगे घात के आधार पर, घात मतलब पावर। अभी हमने आपको बताया था x के ऊपर कोई भी संख्या लिखे तो ये क्या कहलाएगी, घात। जैसे 4 लिखे x की घात 3 y की घात 5, इस प्रकार है। तो पहला आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 1 है, ठीक, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो चर राशियों में x में घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, y में भी एक घात होनी चाहिए या t में भी एक घात 1 होनी चाहिए। अब ये उदाहरण है tx बराबर 4x धन 5, है ना। तो x के ऊपर कोई घात नहीं है तो क्या मानते हैं, 1, तो ये कहलाएगा रैखिक, ठीक। इसी प्रकार qy, ये बहुपद है एक 2y, y की घात क्या है, नहीं है तो 1 है, ये भी रैखिक हुआ। फिर rt इज इक्वल टू t की घात नहीं है तो 1 धन करनी 2, ठीक है। तो ये कहलाएंगे रैखिक। चलिए देखते हैं द्विघाती। द्विघाती वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 एक्स की घात 2 धन 5, यहां पर घात कितनी है, 2 है, 2 एक्स की घात 2 है धन 5, ठीक। तो ये द्विघाती है। फिर 5 एक्स की घात क्या हुई, ये 2 धन 3 एक्स धन वाई, ये भी हुआ। फिर एक्स की घात 2 धन 2 बाय 5 एक्स, इसमें मेन जो चर राशि उसमें x की घात 2 होनी चाहिए, ठीक। तो ये कहलाएगा द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 3 होती है, त्रिघाती। उदाहरण के लिए पहला 4 x की घात 3, ठीक, x की घात क्या है 3, त्रिघाती हुआ। फिर 6 ऋण x की घात 3, यहाँ हम संख्याओं को नहीं देखेंगे, x की घात जो चर राशियां हैं उनकी घातों के बारे में देखेंगे। a x की घात 3 धन x की घात 2 धन 6। अब इसमें देखिए x की घात 3 है और 2 है तो जो अधिकतम घात होती है हम उसी को देखते हैं, ठीक। तो ये क्या लाएगा त्रिघाती। आता है शून्य बहुपद। यदि सभी अचर शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, वास्तविक संख्या a बहुपद में एक शून्यांक होता है यदि p a इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक। अब देखते हैं जो प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको इनमें से ये सिलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है ठीक है, देखिए मैं पढ़ के सुना रही हूँ। 4 एक्स की घात 2 ऋण 3 एक्स धन 7, ये बहुपद है। 2
इसको हम वर्गमूल भी कहते हैं। ये जो चिन्ह है या कहलाता है स्क्वायर रूट भी कहलाता है। आपको बच्चों गणित में चिन्हों का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि चिन्ह कौन कौन से हैं, तभी आप उसको हल कर पाएंगे। ठीक, तीसरा है सवाल, टी वर्गमूल टी धन टी वर्गमूल दो। चौथा सवाल है वाई धन दो डिवाइडेड बाय वाई। फिर है पांचवा एक्स की घात 10 धन वाई की घात 3 धन टी की घात है 50। तो ये हो गए सवाल, अब इसके आंसर को देखते हैं। देखिए पहले सवाल, 4x की घात 2 ऋण 3 धन 7 है। एक्स की सभी घातें क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। एक्स की घात यहां पे हम देखते हैं, एक्स की घात है 2, ये क्या है? पूर्ण संख्या है, इसमें कोई भी ऋण या जीरो नहीं है। ठीक, इसे यह एक चर का बहुपद है। चर का मतलब आपको बताया है कि एक्स 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 होना चाहिए। ठीक, दूसरा है वाई की घात 2 धन वर्गमूल 2 बराबर वाई की घात 2 धन वर्गमूल 2, यहाँ वाई की घात 0 है। व्यंजक में सभी घातें पूर्ण संख्या है, अतः व्यंजक एक चर का बहुपद। यहाँ देखिए y की घात 2 है, 2 क्या है? पूर्ण संख्या। फिर 3 कर्णी t धन t कर्णी 2, यहाँ व्यंजक पहले पद की घात 1/2 है। कर्णी का मतलब होता है किसी भी संख्या, जैसे 2 लिखा है तो 2 की घात क्या होती है? 1/2 कहलाती है। ठीक, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, ये संख्या आएगी दशमलव में, क्योंकि 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 1 को क्या करेंगे? भागित करेंगे, तो संख्या दशमलव में आएगी, दशमलव आएगा 5, इसलिए ये पूर्ण नहीं है, तो व्यंजक जो है बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, चौथा सवाल, 2y/2y बराबर y/2y की घात ऋण 1 है। ऋण 1 घात तो होना ही नहीं चाहिए बहुपद में, इसलिए पूर्ण संख्या ये नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, पांचवा, यहाँ सारे जो घातें हैं क्या है? ये पूर्ण है, x की घात 10 है, y और t, लेकिन यहाँ क्या है? 3 चर है। ठीक है, चर राशियां 3 है, इसलिए ये व्यंजक क्या है? 3 चर का बहुपद कहना है, एक चर का नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन तीसरा इंपॉर्टेंट है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, शब्दों को सुनिए, 35 घात यानी घात किसी भी चर की घात 35 होना चाहिए। ठीक, वाला द्विपदी बहुपद इसको बनाना है, तो इसको बनाया गया है, ये बनाया गया है, x की घात 35 दी है धन 2x दिया है। इसको हम दूसरा तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए इसको बनाकर उठाते हैं, घात 35 होना चाहिए। एक कोई भी चर राशि ले लेते हैं, पहले का एक और सॉल्यूशन है y ले लेते हैं, y की घात लिखेंगे क्या? 35 धन, आपको द्विपदी बनाना है तो पद दो होना चाहिए, एक इसके बाद एक और होना चाहिए, तो ये ले लेते हैं 9 ले लेते हैं y ले लेते हैं। ठीक, ये बन गया पहले प्रश्न के दो जो है ये उदाहरण हो गए। ठीक, दूसरे का भी उदाहरण आपको बताते हैं, 100 घात वाला एक पदी बहुपद, देखिए घात 100 होनी चाहिए और पद एक होना चाहिए। ठीक, तो ये बनाया है क्या? 3x की घात 100, इसको हम y के रूप में बनाते हैं, y 5y की घात क्या होना चाहिए? 100, तो ये बन गया, पद एक ही है, 5y है और घात 100। ठीक है बच्चों, तो आया आपको समझ में?
तो आज आपने जो भी समझा सीखा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ जो पढ़ाया है कि बहुपद किसे कहते हैं। आप लिखेंगे बहुपद के पदों और घातों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, और 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक, तो ये आप अपनी कॉपी में नोटबुक में अच्छे से सारे सवालों को नोट करें, आप होमवर्क में लिख के और अच्छे से प्रैक्टिस करें।